हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि शैम्पू है या फिर डिटर्जेंट लिक्विड है, कार वॉश शैम्पू या डिटर्जेंट लिक्विड हो या फिर डिश वॉश लिक्विड हो, उसे किस तरह से गाढ़ा किया जाता है। तो इसका पार्ट वन है। मैं इसके अलग अलग पार्ट के अंदर आपको अलग अलग केमिकल है उसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसकी मदद से आप है वो इसे गाढ़ा किस तरह से किया जाता है वो समझ सकेंगे। ओके दोस्तों, तो डिटर्जेंट लिक्विड और कार वॉश शैम्पू को गाढ़ा करने का ये पहला पार्ट है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कार केयर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है उसे स्टार्ट कर दी है। अगर आप कार केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको अलग अलग तरह के शैम्पू, कार डैशबोर्ड शाइनर, कार टायर पॉलिश, ये सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से बनाई जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप उसे अच्छी तरह से बना के सीख सकें। और दोस्तों, मेरे जो फॉर्मूला है उसके प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर मैं सेल करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है और काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट है वो बन के रेडी होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम यह स्टार्ट करते हैं, यह पहला पार्ट है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि डिटर्जेंट लिक्विड को गाढ़ा किस तरह से किया जाता है और उसका जो पहला प्रोसेसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद इसका दूसरा वीडियो आएगा, इसका तीसरा भी वीडियो आएगा, अलग अलग जो केमिकल है जो प्रोडक्ट को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होते हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ इस सीरीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ओके, देख सकते हैं लिक्विड डिटर्जेंट है, मतलब कि यह लिक्विड सोप है जिसे एसिड स्लरी और कास्टिक को पीएच करके बैलेंस करके बनाया गया है। इसे आप डिटर्जेंट लिक्विड भी बोल सकते हैं, लिक्विड सोप भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, डिशवॉश लिक्विड भी बोल सकते हैं, कार वॉश के अंदर भी यह यूज़ होता है। तो इसे किस तरह से बनाया गया है कि एसिड स्लरी और कास्टिक का पीएच बैलेंस करके इसे बनाया गया है। अब यह काफ़ी पतला है और दोस्तों, इसकी क्वांटिटी मैं और बढ़ा देता हूँ, देख सकते हैं मैंने इसका 3 गुना कर दिया अब तो। ओके दोस्तों, तो यह बिल्कुल पतला है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला लिक्विड है, इसमें काफ़ी कोई भी थिकनेस नहीं है। और इस तरह का लिक्विड अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो आपको सेल करने में तकलीफ होती है, क्योंकि इसका कोई बायर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सबको चाहिए गाढ़ा लिक्विड। तो गाढ़ा करने के लिए जो सबसे पहला केमिकल है वो आपको घर पर ही मिल जाएगा, जो है नमक दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आप नमक की मदद से सबसे पहले इसे गाढ़ा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं पहले इसे गाढ़ा करके दिखाता हूँ और इसको किस तरह से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में देता हूँ। तो इसके अंदर हमने नमक को ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको सिंपली मिक्स करते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। ओके दोस्तों, पहले से ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये आप देख सकते हैं, पहले बिल्कुल पानी की तरह था। अब दोस्तों, आपको नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ओके, अब यह लिक्विड आप देख सकते हो पहले से काफ़ी 3 गुना गाढ़ा हो चुका है। ओके, और थोड़ा सा अगर हम नमक डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप थोड़ा और नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे करेंगे अच्छे से फिर से मिक्स। तो दोस्तों, नमक होता है वो इसके साथ प्रोसेस करके इस लिक्विड को गाढ़ा तो बनाता है। तो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी अब गाढ़ा लिक्विड है वो बन चुका है, देखिए दोस्तों पहले से काफ़ी गाढ़ा लिक्विड बन के ये रेडी हो चुका है। तो ये इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होता है, और भी मैं आपको थोड़ा नमक डाल के इसके अंदर दिखा देता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है। फिर मैं आपको कितना नमक डालना है और कितना इससे ज़्यादा क्यों नहीं डालना है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों नमक से आप कुछ हद तक ही प्रोडक्ट को गाढ़ा कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप इसके अंदर नमक डालते हैं तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। ओके दोस्तों, तो अभी आप देखते हैं पहले से और भी गाढ़ा हुआ है, और मैं आपको बाद में बताता हूँ कि नमक डालने के फायदे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब यह पहले से काफ़ी 3 गुना गाढ़ा हो चुका है, पूरा का पूरा झेल की तरह यह बन चुका है। ओके दोस्तों, तो हमने देखा कि हम नमक की मदद से हम इस प्रोडक्ट को है वो गाढ़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आप नमक की मदद से ये डिटर्जेंट लिक्विड है उस सबको किस तरह से गाढ़ा कर सकते हैं। पहले पूरे की तरह पानी के जैसा था, आप देख सकते हैं आप काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और दिखने में कुछ इस तरह का है। ओके दोस्तों, पूरा जेल फॉर्म में ये आ चुका है। तो ये अब अपना पहला प्रोसेस है कि नमक की मदद से गाढ़ा किया जाए। अगले के वीडियो के अंदर मैं आपको अलग अलग केमिकल भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नमक के जो है उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक डाल दोगे तो प्रोडक्ट है अंदर से ही
ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि अंदर ही सेपरेशन आना शुरू हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट है उसका जो ट्रांसपेरेंसी वो ख़त्म हो जाएगी, ओके दोस्तों। और इसके अंदर आपको अलग अलग लेयर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यह प्रोडक्ट है अंदर से ही ख़राब कर देगा नमक है। तो कुछ हद तक आप इसके अंदर नमक है उसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर 1 लीटर एसिड स्लरी को डाइल्यूट करके इसका लिक्विड ऑयल बनाते हैं, उसके अंदर आप 100 ग्राम तक नमक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करना चाहोगे तो मैंने बताया उस तरह से प्रोडक्ट के अंदर खराबी आना शुरू हो जाएगी, ओके दोस्तों। तो इससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों मैंने बताया कि कारकेट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत कम कॉस्ट के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट और उसे हाईली प्रॉफिट के साथ किस तरह से सेल किया जाए, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन प्रोडक्ट को किस तरह से सेल किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। और मेरा जो फॉर्मूलेशन है दोस्तों, यही बुक में से पड़े हुए फॉर्मूलेशन नहीं है। हम जो इस फॉर्मूलेशन से प्रोडक्ट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मार्केट के अंदर सेल करते हैं, और वहाँ से मिल गए रिव्यू के आधार पर ही हमने अपना प्रोडक्ट है उसे बनाया है। ताकि आप अगर मेरे ट्रेनिंग के बाद जो कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उसे मार्केट के अंदर सेल करते हो तो आपको मार्केट की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों प्राइस की बात करें तो बहुत कम प्राइस के अंदर ये प्रोडक्ट है वो बन के रेडी होते हैं, उस तरह के फॉर्मुलेशन हमने निकाले हैं, ओके दोस्तों। तो ट्रेनिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो केमिकल जिसकी मदद से किस तरह से आप शैम्पू हो या हैंड वॉश हो, लिक्विड डिटर्जेंट हो, उसे गाढ़ा कर सकते हो।